वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल रितुज गुड लाइफ। मैं रितु, आज हम बना रहे हैं क्रूशोंग। तो देखिए चलते हैं कैसे बनते हैं क्रूशोंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए मैंने आधी कटोरी से भी नीचे मैंने पानी ले लिया है, ये गर्म पानी है। इसमें मैंने एक चम्मच ईस्ट डाल दिया है, ड्राई वैक्टी ईस्ट, और इसके अंदर शुगर ऐड कर दी है। ये मुझे ईस्ट थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने इसके अंदर और डाल दिया है, और इसको ये डाइल्यूट करने के लिए रख दिया है। तो चलिए एक तरफ हम इसमें ले लेते हैं 2 कप मैदा, और इसमें मैं नमक डाल दूंगी। और ये जो ड्राई एक्टिव ईस्ट था जो मेरा एक्टिवेट हो चुका था, अब मैंने इसके अंदर डाल दिया है वो। और अब मैंने इसके अंदर 2 चम्मच बड़े करके इसमें मैंने बटर डाला है, और इसको मैं सॉफ्ट एक मस्त सा डो गूंद लूँगी इसका। एक थोड़ा इसको स्टिकी सा बनाना है मुझे पानी डाल के इसका अच्छी तरह से, ताकि ये जो है डो जो है स्टिकी बने और जो हमारे क्रूशोंग हैं वो बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट बने। ये देखिए मैं इसको रेस्ट करने के लिए रख दूँगी 1/2 घंटे के लिए, और बटर लगा करके रख दिया है ये मैंने। ये देखिए तो चलिए हम इसकी फिलिंग बना लेते हैं। आप इसकी फिलिंग में स्पाइसी भी कर सकते हैं, नॉर्मल भी डाल सकते हैं, और आप इसमें जो है मीठा भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने इसको स्पाइसी आज इसकी फिलिंग की है। ये देखिए मैंने एक जीरा डाल दिया, प्याज डाल दी है चॉप करके मैंने इसके अंदर। मीठे में आप इसमें चॉकलेट ऐड कर सकते हैं, कुछ भी ऐड कर सकते हैं आप, डिपेंड ऑन योर चॉइस। अब मैं इसके अंदर टमाटर डाल दूंगी, और इसके अंदर हरी मिर्चें डाल दूंगी, और इसमें नमक डाल देंगे, मसाले ऐड कर देंगे, नॉर्मल रेगुलर मसाले ऐड करेंगे हम इसके अंदर। धनिया पाउडर है, काली मिर्च है, और लाल मिर्च पाउडर है, खटाई है सूखी, अमचूर पाउडर जो होता है वो डाल देंगे। ये सारी चीज़ें जो नॉर्मल मसाले होते हैं वही डाल रही हूँ मैं, कॉमन से मसाले हैं, ये हर घरों में मिल जाते हैं ईजिली। और चलिए मिक्स कर देते हैं। इसके अंदर मैंने मटर डाल दी है बॉईल करके, और ये जो मैंने इसके अंदर आलू डाल दिए हैं, 5-6 आलू डाल दिए हैं मैंने इसके अंदर ये तोड़ करके, और अच्छी तरह से मैंने इनको मैश कर लिया था। ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से मैश हो जाते हैं। इसकी फिलिंग मुझे कुछ अलग सा खाना था, स्पाइसी सा खाना था, तो मैंने ये बना लिया। अगर आप इसको इसमें आप इसमें कोकोनट की फिलिंग भी कर सकते हैं ड्राई फ्रूट डाल करके, बहुत ही टेस्टी लगते हैं वो भी। तो ये देखिए मेरी फिलिंग बन करके तैयार है। अब हम देख लेते हैं अपना डो। ये देखिए मेरा जो डो है वो भी रेडी हो चुका है, बहुत ही अच्छा बना है डो। ये देखिए बहुत अच्छा इसमें सॉफ्ट डो बना है। तो चलिए मैंने इस पर जो है आटा डस्ट कर लिया है, ये मैदा की है, ये मैंने इसमें बटर लगा दिया है रोलिंग पिन से रोल करके इसको। अब मैं इसको फोल्ड कर दूंगी, बुक फोल्ड मेथड होता है ये। इसको मैंने फोल्ड कर दिया है एक के ऊपर एक रख के, और इसको फिर से रोल कर दूंगी, फिर से यही प्रोसेस करूंगी, और फिर ये देखिए मैंने आटा डस्ट कर लिया है इसके अंदर, और फिर से मैंने इसको रोल कर दिया है अच्छी तरह से, और फिर से मैंने बटर लगा लिया इस पर। इसमें बहुत सारी जो है बटर बहुत ज़्यादा लगता है, घी लगा सकते हैं, बटर से थोड़ी अच्छी लेयरिंग आ जाती है। ये देखिए मैं अब इसको फिर से फोल्ड कर रही हूँ। ये जो हमारे पैटीज जैसे डो बनता है ना, वैसे ही मैं डो बना रही हूँ। ये देखिए मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। अब मैं इसको क्लीन रैप में रख के फ्रीज़र में रख दूंगी। ये देखिए मैंने इसको क्लीन रैप कर लिया है, अब हम इसको फ्रीज़र में रखेंगे 1/2 घंटे के लिए। 1/2 घंटा हो चुका है, ये मैंने फ्रीज़र में से निकाल लिया है। ये देखिए मेरा जो डो है वो सेट हो चुका है। अब मैंने इससे फिर से दोबारा से वही प्रोसेस स्टार्ट किया। मैंने जो है आटा डस्ट किया, रोलिंग पिन से रोल किया, फिर मैंने इसमें फिर से बटर लगाया, फिर से मैंने इसको बुक फोल्ड मेथड किया, फिर से फोल्ड किया, फिर से मैंने इसको कम से कम 4 बार इसको ऐसे ही किया, और 15-15 मिनट का गैप ही दिया, और मैंने फ्रीज़र में नहीं रखा, फिर मैंने फ्रीज में रखा इसको 2-3 बार। तो मैंने ये आपको दिखा दिया, और मैं 2 बार नहीं दिखा पाई क्योंकि ये जो है वीडियो बहुत लेंथी हो जाती। तो चलिए मैंने इसको रोल कर लिया है अच्छी तरह से, रोलिंग पिन से एक रोटी बना ली है बड़ी सी,
और इसको कोई भी शेप दे के मैंने इसको कट कर लिया। ये आज मैंने इसको ऐसी शेप दी है, ये देखिए मैं सेकंड टाइम बना रही हूँ, मैंने पहले दूसरी शेप दी थी, आज मैंने दूसरी शेप दी है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये बहुत ही अच्छी शेप बनी थी, ये भी अच्छा था। आप कोई भी शेप, आपको जैसी अच्छी लगे आप कोई भी शेप दे सकते हैं। ये देखिए मैंने रोल रोल करके इसको ईजीली ये रोल कर दिया है और मैं बेकिंग ट्रे में इसको रख दूँगी। मैंने अपनी जो स्टफिंग बनाई थी वो मैंने इसके अंदर रख दी थी। इसी टाइम पर आप इसमें फिलिंग लगा सकते हैं मीठे की, आप इसमें ड्राई फ्रूट्स फिल कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसमें बेकिंग ट्रे में रख दिया है। मैंने दो तीन जो शेप है वो अलग अलग बनाई हैं, उसमें मैंने चीज़ ऐड कर दिया है क्योंकि मेरे जो बच्चे थे वो दोनों जो हैं देवर जो हैं वो मेरे, उनको चीज़ चाहिए था, वो बार बार मुझे बोल रहे थे कि चीज़ के लिए। देखिए मैंने ओवन प्री हीट कर लिया था 180 डिग्री पे और ये 10 मिनट्स के लिए मैंने प्री हीट कर लिया था। अब मैंने इसको बेकिंग करने के लिए रख दिया है 20 से 25 मिनट के लिए। मैं 20 से 25 मिनट बाद इसको चेक करूँगी। ये देखिए वाओ, ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बहुत ही टेम्पटिंग लग रहे थे दिखने में भी और खाने में भी बहुत अच्छे बने। देखिए चीज़ बाहर निकल आया है, ये मैंने इन पर बटर ग्रीस कर दिया है। आप इस पर दूध भी ग्रीस कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप बटर लगाएं। ये बहुत ही अच्छे बने थे, आप भी इसको घर पर ट्राई कीजिए और मेरी वीडियो को जो देख रहा है इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें मेरे चैनल को। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वाओ ये देखिए लग रहे हैं ना यम्मी टेम्पटिंग से, देखो बहुत सॉफ्ट बनते हैं ये, बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट बने हैं। ये देखिए फीलिंग भी कितनी अच्छी नज़र आ रही है इसकी, वाओ। तो मिलते हैं बाय बाय नेक्स्ट वीडियो में।